हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज प्रांशु गुप्ता और आज हम G20 पर डिस्कस करेंगे कि जैसा आप सभी को मालूम है कि प्रेजेंट में अभी जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में, हमारी राजधानी दिल्ली में चल रही है G20 की, जिसमें जैसे G20 जो समूह है अपना, उसमें 19 देश और एक वन यूरोपियन संगठन है, जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जिनमें से प्रमुखता अपने अमेरिका के जो बाइडेन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी, जो उसमें अपना स्थल था दिल्ली में G20 का आयोजन स्थल, उसमें अगर आपने देखा होगा तो अपने कोणार्क के सूर्य मंदिर का चिन्ह बना हुआ है जो कि उड़ीसा में है। और ये हमारे किसका प्रतीक है, जो हमारे गति के प्रतीक है, मतलब कि जैसे सूर्य हमेशा निरंतर गतिशील है, वैसे हमारा समाज परिवर्तनशील है, मतलब कि एकाएक बदलाव होते हैं उसमें समाज में, मतलब एक नवीनता की सोच की ओर अग्रसर है, या चाहे सामाजिक संरचना को लेकर हो, चाहे नवीनता की ओर हो, तो अपने लिए अग्रसर है। और इसमें बात करें तो सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी कदमों में तेजी लाने की बात कही गई है, जो अपने कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है संगठन में जो मीटिंग हुई थी। और जस्टिस में जो मेन मुद्दा रखा गया, वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और FATF जैसी संस्थाओं की संसाधनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। और जैसा आप इसमें जो अपना ये स्लाइड है, इसमें आप देख रहे होंगे डायग्राम, न्यू दिल्ली इंडिया 9 से 10 सितंबर, इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की फ़ोटो भी है, आप देख सकते हैं इसमें। और कोई डाउट्स हो तो आप टाइप कर सकते हैं कि अपना, जिसमें देखिए आप देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के मुख्यमंत्री जो बाइडेन आपस में हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इसमें देखिए लिखा भी है कि कोणार्क सूर्य मंदिर है जो स्थित उड़ीसा में है, और इसका जो निर्माण जिसने करवाया है वो राजा नरसिम्हादेव प्रथम है, और यह जो इसका टाइम पीरियड है वह 13वीं शताब्दी है। और अगर अन्य नाम देखते हैं आप इसी के, तो इसमें अपना ब्लैक बोर्ड, जैसे एक अपने मैर की बात करें, उसमें एक जस्ट मंदिर है सूर्य कोणार्क मंदिर, तो जैसे अगर बात करें एशिया में तो अपना ये मैर का एक मंदिर है कोणार्क मंदिर, तो उसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं। अगर इसमें बात करें भारत में ब्लैक पैगोड किसे कहा जाता है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को। अगर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया, तो इसको 1984 में शामिल की गया। वर्ल्ड हेरिटेज एक संस्था है जो विरासत स्थल घोषित करती है उसको संरक्षित करने के लिए। और इसमें जो शैली अपनाई गई है वो कलिंग या उड़ीसी शैली थी। और विशेष अगर इसमें फैक्ट की बात करें तो जो कोणार्क की चक्र की घूमती गति समय प्रगति परिवर्तन का प्रतीक है, कोणार्क चक्र में 24 तीलियाँ जो तिरंगे में दर्शाए गए हैं। और जो इसमें मानता है कि सनातन धर्म में ऐसी मानता है कि भगवान सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं और उसमें 12 पहिए लगे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया था। दिल्ली में जो घोषणा पत्र थी तो उसमें कुछ अहम बातें थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई हैं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों पर ध्यान देने पर अहम सहमति बताई। और अगर दूसरी बात करें तो हमें सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए और लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी कदमों में तेजी लाने की बात कही गई है। जस्ट अगली बात करें तो छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी के बारे में चिंता जताई गई है। और वहीं इकोनॉमिकल को ग्रोथ के लेकर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी बात में रखी गई है मुद्दा। और जो उसमें इसका सद्वाक अपना रखा गया G20 का, वह सुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया है, ये जस्ट अपने गीता से लिया गया है, मतलब कि जो हमारी वस्तुता है एक परिवार की तरह है। और जिसका ध्येय वाक्य है वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली। और G20 देशों के मौजूदा अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन पर ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंप दी है। और G20 की अध्यक्षता इसी साल नवंबर से ब्राज़ील के पास होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास नवंबर तक जी ट्वेंटी की अध्यक्षता है, अभी हमारे पास 2.5 महीने बाकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्ताव है कि एक वर्चुअल सेशन रखें ताकि जो हमने तय किया है उसकी समीक्षा की जाए।
और आप उससे जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ G20 के समापन की घोषणा करता प्रधानमंत्री कहते हैं G20 के समापन की घोषणा करते हैं और संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो और 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना को साथ सभी को धन्यवाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है, कि परिवर्तन ही संसार का से समाज का नियम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलहाल 5 सदस्य हैं जो प्रमुख हैं। इनमें अपना अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं और भारत इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। देखते हैं इसका जो प्रारूप है कितना बड़ा है G20 का, तो हम इसका डिस्कस करते हैं इसके बारे में। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जहाँ विश्व राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ बैठकर वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इकोनॉमिकल पर भी। इसके अलावा इस मंच पर मेन मुद्दा जलवायु परिवर्तन का, जस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट तथा अन्य जरूरी मुद्दों पर भी बातचीत की जाती है। यह मंच इतना बड़ा है कि इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें शामिल देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के करीब 85% और वर्ल्ड ट्रेड का करीब 75% योगदान देता है, जो ये अपना ये संगठन है, और इसमें विश्व की करीब 2/3 आबादी शामिल आती है। अब G20 में जो 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल था, और संगठन में अगर देशों की बात करते हैं तो उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका। लेकिन अब जस्ट जो दिल्ली में मीटिंग लगी हुई थी तो उसमें अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्य बनने के बाद यह पहले से और अधिक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इसका प्रारूप बड़ा हो गया है। अगर ये क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है अपना उसमें 55 देशों का एक समूह है, जो अगर आपको अगर मालूम हो, जो अगर आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा हो तो उसमें टोटल 55 देश समथिंग 55 से 60 के बीच हैं, तो उसमें 55 देशों का अफ्रीकन यूनियन का एक संघ है जिसमें दुनिया की करीब 18% आबादी रहती है। यह विश्व का करीब 20% लैंड एरिया है जिसकी अर्थव्यवस्था टोटल $60 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है और इसका प्रारूप भी काफ़ी बड़ा है। हम आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो अपना G20 और भारत है, G20 भारत को एक आर्थिक मंच तो प्रदान कर ही रहा है, साथ ही सांस्कृतिक मंच, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी अपने देश के लिए डेवलपमेंट की बात कही रही है, कही जा रही है, और उसमें मेन जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को रखा जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो CO2 का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग जैसा बढ़ रही है, अगर आपने देखा हो COVID-19 का भी, अगर आपने देखा हो तो उसका प्रकोप काफ़ी प्रभावित रहा, विश्व में तो रहा ही, खासकर भारत में भी रहा है उसका प्रभाव। तब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री में काफ़ी सारी पहल की गई, वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा जो अभी अगर आप मेरे को मान लो कि चंद्रयान 2 जो आना विफल हो गया था, पर प्रेजेंट में जस्ट जो हमारे अगस्त में लॉन्च किया गया था वो सफल भी, चंद्रयान 3 सफल हो गया है, और हमारे देश ने, भारत देश ने चंद्रयान के दक्षिणी साउथ पोल में एक सफल लैंडिंग की है। हमारा देश साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला प्रथम देश है विश्व में, जबकि सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व में जस्ट तीसरे स्थान पर आता है। इसके पहले अमेरिका और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्ते और थैंक यू।